खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के मऊगंज क्षेत्र से है, जहां विधानसभा से राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त विधायक प्रदीप पटेल ने प्रेस वार्ता कर क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों का लेखा जोखा पत्रकारों के सामने रखा है। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में मऊगंज में चल रही विकास योजनाओं का लेखा जोखा का फैसला मऊगंज अराजकता फैलाने वाले लोग नहीं बल्कि आने वाले चुनाव में इस क्षेत्र जनता करेगी। विधायक श्री पटेल ने कहा कि वैसे तो प्रदेश में विधानसभा 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं, पर इसमें 1.5 वर्ष कांग्रेस के और लगभग 2 वर्ष देश ही नहीं अपितु तो विश्व में आई कोरोना महामारी से संघर्ष करने से विकास कार्य अवरुद्ध रहे, पर इन सबके बीच जो भी वक्त मिला मुख्यमंत्री शिवराज के आशीर्वाद से वो मऊगंज विधानसभा क्षेत्र में जितना कार्य किया वह आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए सुनाते हैं मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल ने क्या कहा है। कहीं न कहीं से वो थोड़ा सा इस नशे के कारोबार में भी लिप्त रहता है या नशा करने वाले व्यवस्थाओं में भी लिप्त रहता है, इसलिए हमने ये नशा में और मुक्ति के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया है और उस जरूरत पहले धरने वगैरह भी दिए हैं। तो जहाँ जैसी जनता को जरूरत पड़ेगी विकास के कार्यों को लेकर के और हमारे ये गुंडागर्दी और अवैध नशे के कारोबार के लिए हम हमेशा इसमें गलत कार्यों के लिए हम विरोध करेंगे। अभी आगामी जो हमारी योजना है उसमें हमारा तो डिवाइडर बन रहा है, आप यहाँ से मऊगंज से बरहटा होते हुए और बदवार तक ये सड़क जा रही है, ये हमारी सड़क जो 42 किलोमीटर की सड़क है और इस पूरी सड़क को MPRDC की तरफ से बनाया जा रहा है, इसका टेंडर हो गया, ठेकेदार नियुक्त हुआ, वो अपनी पुल पुलिया में मटेरियल गिला के काम भी शुरू कर दिया है। ये पूरी सड़क बहुत अच्छे ढंग से बन रही है और लगभग ये मेरा अंदाज है 150 करोड़ तक जाएगा ये बजट, एक बहुत हमारे मऊगंज के लिए बहुत बड़ा डेवलपमेंट का एक ये भी है। और आपने भी देखा कई दिनों से उसकी मांगें चल रही थी, इसके 2 बार तो हम धरना बैठ करके रिपेयर कराए हैं मगर अब ये पूरी रोड बन रही। ऐसे हमारा एक रोड बन रही पिपराही से जड़कुर, ये लगभग 50 करोड़ से ऊपर की रोड है, वो भी पूरी RCC बन रही यहाँ से लेकर जड़कुर तक। तो जितनी भी ऐसी बड़ी सड़कें हैं कोई सड़क नहीं है जो नहीं छूटी। अभी चौरा घाट का जो हमारा सड़क है उसमें भी आपने देखा होगा कि आधी सड़क वो लगभग आधा चौरा घाट टूट करके उसमें लेवल का कार्य हो चुका है। उसमें फॉरेस्ट की पहले फर्स्ट फेज में अनुमति लेने में काफ़ी कठिनाई गई, 2 साल का समय लगा और अंत में फॉरेस्ट को ज़मीन उपलब्ध कराना, फिर फॉरेस्ट को ज़मीन देना, ट्रांसफ़र कराना, फिर फॉरेस्ट में 7 करोड़ रुपए उनके फॉरेस्ट के डेवलपमेंट के लिए जमा कराना, ये सब पूरी प्रक्रिया होने के बाद 2 साल में हमारा वो अनुमति मिली, उसमें हम कर रहे हैं। और उसमें है क्या कि जितनी ज़मीन फॉरेस्ट ने हमको दी है हम उससे ज़्यादा उसको नहीं बना सकते, और चूंकि हाइट इतनी ज़्यादा है वो घाट का पोर्शन कि उसमें अगर पूरे में मिट्टी फिलिंग करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ब्राड पे वो हमारा फॉरेस्ट एरिया जाता है जो ऊपर से मत, तो उसमें हमारा सिविल वर्क करके रोड बनाना है। सिविल वर्क में उसकी कास्ट बढ़ गई तो उसकी ड्राइंग डिजाइन में भी ओके हो गया है, गवर्नमेंट से उसकी ड्राइंग डिजाइन परमिशन हो गई है, फिर इसके बाद भोपाल से जांच करेगी, उन्होंने भी परमिशन दे दी है, गवर्नमेंट ने ओके कर दिया है। अब उसका जो बजट बढ़ा है वो हमारा 65 करोड़ गया है, तो उस 65 करोड़ के अंतिम फाइनेंस पोर्शन में लगा है, तो वो जैसे ही सेंक्शन हो जाएगा तो वो हमारा पूरा कार्य लगभग हमारे 4-6 महीने के अंदर पूरे हो जाएंगे। कि जिला बनाने की तरफ भी प्रयास हो रहा है, देखिए जिला बनाने में मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कई लोगों ने ज्ञापन दिया, कई वर्षों से मांग चीज चल रही, पर जिले की तरफ से जब जिला बनता है तो उसका प्रेजेंटेशन होता है कि भाई जिले में हमें अपनी इनकम भी बतानी है, आय भी बनाना है, डेवलपमेंट होगा जिले का तो कैसे कैसे उसमें चीज़ें आएंगी, ये सब चीज़ें रहती। मैंने इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री से भी बात किया है, प्रशासनिक अधिकारियों से बात किया है, विधानसभा में रखा है, सब जगह मैंने बोला है कि मऊगंज क्षेत्र के डेवलपमेंट में जितना भी डेवलपमेंट होगा उसमें हमारा जैसे इंडस्ट्रियल एरिया है, आप बताओ अगर 450-450 एकड़ ज़मीन उसमें जो हमारा उसका जो प्रोजेक्ट बना है, ज़मीन अधिग्रहित हो गई, ज़मीन की नाप हो गई, हम खुद उस नाप में उपस्थित रहे, थोड़ा बहुत उसमें अतिक्रमण था उसको सब हटा करके और वो ज़मीनें उपलब्ध करा दी गई। अब जब उसमें 128 छोटे बड़े प्लांट लगने हैं, अगर वो लग जाते हैं 2 साल 3 साल 4 साल में जो भी लगेंगे, आपको नहीं लगता कि 128 प्लांट
उद्यस्थल एरिया में एमएसएमई के लगभग 100 एकड़ में छोटे प्लांट लगेंगे, इन सब से सरकार को आय नहीं होगी क्या? प्लांट लगेंगे, सामान बिकेंगे, उनका जो टैक्स आएगा सरकार के खजाने। तो क्या हम मऊगंज से इतना बड़ा लैंड खाली पड़ा है इस एरिया में, यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करके और इंडस्ट्री लगा करके सरकार की आमदनी नहीं बढ़ा सकते? तो मऊगंज अगर ज़िला बनेगा तो यहाँ पे ज़िले में काम रहने वाले कर्मचारियों की सैलरी के लिए मऊगंज अपना खुद टैक्स दे के सरकार के खजाने को भरेगा। यहाँ पे सब चीज़ें हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में मऊगंज डेवलप होगा, यहाँ का व्यापार खूब बढ़ेगा, यहाँ पे इंडस्ट्री लगेगी, सरकार को टैक्स मिलेगा, तो सरकार के ऊपर जिला बनाने का जो बोझ आएगा वो नहीं आने पाएगा, यहाँ के आय से सरकार को हो जाएगा।